राशिद ने तो सबसे ज्यादा विकेट लिया और वो हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल के, तो आपका क्या है? आईपीएल के यस आजकल मार भी लगने लगी है, ओकेजनली अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन अब वो प्रेडिक्ट भी हो गए, लेकिन नो डाउट वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है, बड़ा बॉलर है, कदम में बड़ा नहीं है, लेकिन वैसे देखिए मेरे ख्याल में राशिद के क्रेडिट पे सिर्फ आईपीएल ही नहीं है, राशिद के क्रेडिट पे दो ट्रॉफीज हैं लाहौर कलंदर्स की जिसमें राशिद ने परफॉर्म किया, दोनों मैचेस ऐसे हैं जो लाहौर कलंदर ने जीते शाहीन की कप्तानी में, उसमें राशिद का बड़ा अहम रोल था, इवन वो बैटिंग के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस देता है, फिर वो तो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, राशिद को तो वो हथेली पे सजा के रखते हैं अपनी, जिस अंदाज से उसकी परफॉर्मेंस है, प्रिडिक्ट हो जाता है बॉलर, कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहती, मगर ओवरऑल अगर राशिद की एटीट्यूड और उसका खेल और उसकी उसके अलावा भी उसकी करेक्टर की बात की जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है राशिद तमाम अफगान प्लेयर्स में, और भी अब जो गुरबाज अच्छा है, नया आने वाला अपकमिंग टैलेंट जो गुजरात ने ही उठाया है, उमर जई बहुत अच्छा है, बेसिकली हमारी फाइट है, क्योंकि हम ये आवाज लगा रहे हैं उसके लिए डेढ़ दो साल से, और अब तो सबको समझ आ गया कि वो टॉप ऑर्डर का, नजीबुल्ला जादरान अच्छा है, इब्राहिम जादरान टॉप ऑर्डर में अच्छा है बहुत, अब उनके पास प्लेयर्स है, आप 8 विकेटों से हारे हैं ना, मुजीब उनका अच्छा है, जो उनका मुजीब जो इस ऑफ स्पिनर, वो भी अच्छा है, प्लेयर्स है उनके पास, अफगानिस्तान की का फ्यूचर आप क्रिकेट में कह लें कि ब्राइट दिखता है, नूर अहमद आ गए, लेफ्ट आर्म चाइना में अजाब बन जाता है, दर्दे सर बन जाता है, अभी उसने उस दिन सेंसेशन ट्रेवस हेड को बोल्ड कर दिया, तो ट्रेवस हेड को वो समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये जितने मारने वाले खिलाड़ी हैं ना, ये हमेशा मिस्ट्री बॉलर्स से ही आउट होते हैं, क्योंकि हाथ से रीड करना स्पिन को ना एक आर्ट है, वो आर्ट किसी के पास भी नहीं है, आर्ट तो आप समझती होंगी, 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 वो वाला आर्ट।